कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चला कि रियल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक सिस्टम को भी कर रहे होते हैं, मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे सिस्टम जो रियल टाइम की हमें सिग्निफाई करें। वेल, तो सिग्नल यूजर बहुत आसान है क्योंकि वो आप नॉर्मली आप उसको भी ऑब्जर्व देखें, आप ये डायग्नोस्टिक वाले सिस्टम को भी। जी जी सर, सर एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, एम्बेडेड थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास जो है, जैसे कैलकुलेटर है हमारे पास, ठीक है ना, कैलकुलेटर है हमारे पास है हेयर अब ठीक है। तो एम्बेडेड ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर है ना, आप कैलकुलेटर की फीचर्स को बढ़ा नहीं सकेंगे, एक ही उसमें सिस्टम रखा गया है। अगर वो साइंटिफिक नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेटर है, ठीक है, आपके पास अगर सिंपल सा कैलकुलेटर उसमें से साइंटिफिक नहीं है, तो आप उसमें कोई चीज साइंटिफिक अगर डालना भी चाहेंगे नहीं जाएगी ना, आपको दूसरा खरीदना पड़ेगा। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अंदर उन्होंने प्री डिफाइंड एक इंस्ट्रक्शंस हैं और उसी में वो चलना है, ऐसे ही होगा ना। आपने कभी कैलकुलेटर लिया हो, अगर आपको साइंटिफिक लेना पड़ेगा तो आपको सिंपल कैलकुलेटर काम नहीं आएगा, अब आपको थोड़ा सा कुछ पैसे ज़्यादा डालते हुए दूसरा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता सिंपल में से आपको सिर्फ काम करें, कोई दूसरा हार्डवेयर लगा दें कि अब उसके फीचर बढ़ा दें, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर ऐसे हार्डवेयर के लिए बनाए जाते हैं और पर्टिकुलर वही काम कर रहे होते हैं, ठीक। और वो काम जो होता है वो ऐसे काम होते हैं, मल्टी काम नहीं होते, सिंपल एक थोड़े से सोड़े से काम हो रहे होते हैं उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? जी सर, जी सर, ठीक हाँ, है। जैसे रियल डायग्नोस्टिक के लिए हमारे पास हो गया तो वो पर्टिकुलर काम ही करेगा उसी के लिए, धड़कन के लिए धड़कन वाला काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा उसमें शुगर भी चेक की जा रही है, ठीक है। तो मतलब कहने का उसको उसकी फिजिबिलिटी को इतना ज्यादा एनहांस नहीं किया जाता, तो उसकी जो काम एप्लीकेशन को इतना ज्यादा एनहांस नहीं किया जाता, उसी वजह से वो एक सिस्टम के एक जो है हार्डवेयर पे एक बस वो उनकी डिपेंडेंसी होती है। तो हमारे पास सिंगल यूजर होता है, वो सिंगल यूजर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसमें सिर्फ यूजर कौन सा होगा, एक ही चल पाएगा, ऐसा नहीं होगा दो यूजर हो सकते हैं। आप जी जी बेटा सर, रियल टाइम में मतलब जेको आहे असांखे प्रीव्यू भी नज़र ईंदो आहे, जीअं तव्हां मतलबु या मशीन जी ॻाल्हि कई त उनमें जॾहिं धड़कन जी उहा नज़र बि ईंदी आहे त मतलबु असांखे प्रीव्यू बि थींदो पियो आहे, जेको असां कमु कंदासीं पिया त जी उहो जी साम्हूं बि नज़र ईंदो हूंदो। जी जी बिल्कुल। सर, इन खां अलावा को एग्ज़ाम्पल आहे? उनके अलावा पाण वटि आहे न, ॾिसो हिन में अंदरि लिखिया पिया आहिनि, जीअं पाण शुगर हूंदो आहे, ठीकु आहे, शुगर बि असांजो अहिड़ो सिस्टम हूंदो आहे न जंहिंमें अंदरि तव्हां डिवाइस खे जस्ट तव्हांजो ब्लड अगरि उनमें मथां आहे त तव्हांखे रीडिंग ॿुधाए छॾंदो त हीउ स्कोर आहे, हीउ तव्हांजी जेको आहे पर्टिकुलर वैल्यू आहे उन शुगर। या त मशीन हूंदियूं आहिनि जेकी तव्हांखे मैकेनिकली मशीन हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे, उहा टेस्टिंग कंदियूं आहिनि त लिक्विड जेको आहे उहो उनमें अंदरि केतिरी विस्कोसिटी आहे, केतिरो उनमें अंदरि मटीरियल आहे, छा उनमें अंदरि तादाद आहे, त उहो रियल टाइम एप्लीकेशन हूंदी आहे कंहिं बि डिवाइस में ॿुधाईंदी आहे। नोट कयो आहे कॾहिं का अहिड़ी शइ ॾिठी आहे जंहिंमें अंदरि जो आहे मशीन खे कंहिं लिक्विड में अगरि उनखे ॾिठो ईंदो, अगरि उनमें पास कयो वेंदो त ॿुधाईंदी आहे त हिनमें त विकॉसिटी केतिरी आहे, हिन में कीअं अंदरि जेको आहे अंदरि केतिरो मटीरियल आहे, इहो हार्ड आहे, केतिरो सख़्तु आहे, यस सर, ठीकु आहे। अहिड़े टाइप जा एग्ज़ाम्पल थी विया, थर्मामीटर थी विया, ठीकु आहे, उहा असांखे शो था कनि त उहो पर्टिकुलर, जीअं असां वटि जेको ख़ासि करे ब्लड प्रेशर लाइ बि हिकिड़ो इक्विपमेंट ईंदो आहे, ठीकु आहे, तो वो पर्टिकुलर रीडिंग बुधाइंदो। सही है? यस सर। ओके, तो बेटा सिंगल यूजर नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है, जैसे वर्किंग फॉर अ सिंगल पर्सन, ठीक है, तो एक ही बंदा यूज कर पाएगा। जैसे आपके लैपटॉप है वो आप देख रहे होंगे, आप ऐसी गेम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आपने जो कीज हैं लैपटॉप की, आपने दोस्त को बोला भाई तू तेरा तेरा साइड ये है, ये फलां जो की तुम्हारी है और ये AWD वाली की वर्ड मेरी, तो एक ही टाइम दो किसी बंदे उस चीज़ को चला पाते हैं। मगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होगा, ऐसा हार्डवेयर के लिए भी बनाया गया होगा, उसमें जो है एक ही बंदा एक ही काम कर सकेगा, दूसरा नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास MS Office MS DOS जो है वो एग्जाम्पल होता है इसका, और इसी तरीके से ये टाइप की काली विंडो होती है, बिल्कुल उसी पर काम कर सकता है, एक ही बंदा काम कर सकता है। और मल्टी यूजर में क्या होगा, अब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो क्या करेगा, मल्टी टास्किंग, बहुत सारे यूजर भी एट ए टाइम उस पर उसी कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं और जो है वो मल्टी टास्किंग भी हो सकते हैं। मल्टी टास्किंग डेफिनेटली कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक। तो हम जो है ऑपरेटिंग जो हमारे पास कंप्यूटर जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ये विंडोज हैं, हम इनको नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हालांकि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये भी विंडो 95 19, मगर हम जब हम बात कर रहे होते हैं ये टाइप के क्या है वर्जन कहलाते हैं, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूं तो मुझे वर्जन बताएंगे आप MS Office या ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन कौन से हैं अगर विंडोज़ के, तो आपके बजाएंगे 95 98 ME, ठीक है। हालांकि इसमें अगर मैं पूछूँ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप बोलेंगे विंडोज, ठीक है, सही होगा ना।
अगर मैं आपसे इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है बोलेंगे विंडोज, अब ये नहीं कहेंगे विंडो 98, ठीक है विंडो 98 95 क्या हो जाएंगे, इस टाइप का एक वर्डिंग कह रहा हूँ। वैसे नॉर्मली आई विल एक्सेप्ट फॉर बोथ केसेस, मगर एक आपको पता हो कि जो वर्जन और ए कम्प्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम है अनदर थिंग। इस तरह के हमारे पास लिनक्स है, उबंटू है, ठीक है आईबीएम है, यूनिक्स है, ये भी पार्ट है किसके, अगर हमें उबंटू यूनिक्स ये भी एक टाइप के पार्ट हो रहे होते हैं मैक के दूसरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो वैसे कुछ कमांड्स होंगी जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाई जाएंगी, जैसे ये ब्लैक स्क्रीन आपने देखी थी, मैंने आपको दिखाई थी इस टाइप की स्क्रीन, उस पर अगर हम चाहते हैं कोई काम करना, कोई ऐसे डायरेक्टरी बनाना, फोल्डर बनाना, ठीक है तो कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो आप यूज़ करेंगे, सी डी हो गया, सी एल सी हो गया, ठीक है आपने हो सकता है सी एल सी कभी किया हो जब आपने जावा या सी प्लस प्लस पढ़ी हो। और एम के क्या करता है, मैं एक डायरेक्टरी टाइप का फोल्डर बनाएगा, डायरेक्टरी का डी आई आर लिखने से क्या होगा, बताएगा कि भाई कितने किस में अंदर फोल्डर बने हुए हैं इसके अंदर, हेल्प क्या बताएगा, हेल्प करेगा कौन सी कमांड आपको समझनी है, अगर आपने इस पे स्क्रीन पे लिखा नोट पैड तो नोट पैड ओपन कर देगा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करें, ठीक है उसके ज़रिए क्या होगा, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने पास रख सकते हैं, आप चाहें कि जो है उसको ओपन करेंगे, जैसे जैसे आपके पास एमएस ऑफिस होता है, ठीक है आपके डेस्कटॉप पे एक फोल्डर आइकन बन जाएगा, जैसे ओपन करोगे इस टाइप का एनवायरनमेंट आ जाएगा मिसाल, ठीक है उसमें आपने देखा कि यहाँ पर उबंटू यूज़ पड़ी, यहाँ पर विंडो पड़ी, ऐसा भी कर सकते हो, या आप चाहो तो ये एक्सपी वाला, अब तो एक्सपी नहीं चलेगी मगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक आपने पोर्शन बना दिया एक्सपी चलाने के लिए, एक में आपने विंडो 8 चला दी, एक में 7 चला दी, तो एट ए टाइम बहुत सारे विंडोज को ये सपोर्ट करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है। तो हम सीखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिर सीखेंगे कि इसमें उबंटू जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि जो कमांड में उबंटू क्या आपको बताना चाह रहा हूँ एक पर्पज इसलिए भी है, द रीजन आई एम टेलिंग यू द कमांड रिगार्डिंग द उबंटू या लिनक्स की जो कमांड है बेसिक, जस्ट बिकॉज समटाइम इट कम्स इन द इंटरव्यू कि ये कमांड किस लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की यूज होती है, डेफिनेटली दे गो फॉर द सिंपल नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स वन, ओके बट डेफिनेटली आई हैव टू टेल कि विच कमांड आर मोस्टली यूजिंग बाय द इन द इंटरव्यू मे बी दे आस्क फॉर दिस एंड डेफिनेटली आई विल लेट यू नो कि आप भी कुछ मुझे एक्सप्लोर करके देखें दिखाएं, ठीक है ना शो ऑफ कर। वेल तो यहाँ से हमें कुछ हद तक बातें पता चलती हैं कि डॉस जो है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉरी, जो सिंगल यूजर पे काम कर रहा होता है, और जो विंडो होता है वो मल्टी यूजर के लिए पर्पस के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। इस तरह बहुत सारे और जो बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखिए इस डॉस आल कमांड्स आर टेक्स्ट बेस्ड, क्या डॉस के सारे कमांड जो है वो टेक्स्ट बेस्ड हैं, डेफिनेटली ठीक है आपने डॉस पे अगर बहुत काम किया होगा तो डेफिनेटली आप कहेंगे यार सर डॉस पे तो हम नॉर्मली जो भी काम कर रहे हो तो टेक्स्ट बेस्ड ही काम कर रहे होते हैं, ऐसा ही है ना, और विंडोज पे जब हम काम हो ग्राफिकल होता है, आइकन होता है, डबल क्लिक किया वो फाइल खुल जाती है, मगर ऐसा विंडोज में नहीं होगा, डॉस में नहीं होगा कोई क्लिकिंग ऑप्शन, ठीक। तो ये सारी जो है बातें डॉस के लिए लिखी हुई है, इस तरह विंडोज के लिए लिखी हुई है, जो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमने कहा था ऑपरेटिंग सिस्टम को कैटेगराइज किया गया है 3 सिस्टम में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी आर गोइंग टू नो रिगार्डिंग समहाउ बेसिक चीज़ें। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ चीज़ें कौन सी आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने आपके लिए कुछ सवाल रखे हैं, ठीक है। श्योरली आई विल इसके आंसर भी पड़े मेरे पास, मगर मैं चाहता हूँ पहले आप सर्च आउट करें, गूगल करें, थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ जाए कि क्या करना है, ठीक है। तो 1 मिनट बचा है तो मैं दोबारा इसको लॉगिन करूंगा, ठीक है। ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन करना आप इसी लिंक को लेते हुए जो आपको ऑलरेडी गिवन है रिगार्डिंग द जूम। तो यहाँ पर कुछ सवाल होंगे, विच ऑपरेशन डू यू कंसीडर बेटर, ओपन सोर्स हैं, क्लोज सोर्स हैं, क्यों हैं, वो आप आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक टाइप का अपने व्यू है इसमें अंदर। लिस्ट करें, बताएं ओपन और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वहाँ आप सर्च आउट करें, गूगल करें, उसमें अंदर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं अपनी, ठीक है। बताएं कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इस तरह कर्नल क्या होता है, और जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में पीछे कौन सा कर्नल चल रहा है, वो आप जो है लिस्ट आउट करें, गूगल करें इसको। तो कुछ सवाल आते हैं जो डिपेंड करते हैं मेरी लैब नंबर 1 के बारे में, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है कि आप आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हो, आप डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी टाइम से यूज़ भी करते आ रहे हो, ठीक। जब आप कोई चीज़ यूज़ करते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए है क्या, उससे बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा इस चीज़ को करने के लिए।